शिक्षकों का आज सत्याग्रह का साजानी पार्क में 42वां दिन है और भीषण ठंड और कड़ाके की ठंड में परिवार सहित हजारों अतिथि शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आती कि वो इस तरह से कुछ करना चाह रही हो। उनकी मंशा तो ये दिखती है कि आज सुबह से यहाँ साजानी पार्क में पाइपों से पानी बहाया जा रहा है। यहाँ गीले में जहाँ पर हम लोग बैठे थे ऑलरेडी गीला था, लेकिन और गीला करवाया गया है, जिसमें हम दिन भर बैठे हुए वैसे ही बीमार और परेशानी से सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सरकार हाईफाई अवार्ड में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की जब नियमितीकरण की बात आती है तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार के पास अभी बजट नहीं है। मुझे शर्म आती है मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर कि एक और तो आपने वचन पत्र में नियमितीकरण का वादा किया जो कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा है, और हम उस पर बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। आप यहाँ पर पानी डलवाओ या आग जलवाओ, हम लोग जब तक डटे रहेंगे जब तक नियमितीकरण नहीं होगा, चाहे अपने प्राणों को त्याग दें। और शर्म करो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कि आईपा अवार्ड में आप करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। आपको सलमान खान के साथ उसको रिसीव करने और कार्यक्रम करने का वक्त है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के बीच में आने का वक्त नहीं है। मैं इस कार्यक्रम की कड़ी निंदा करता हूँ।